कोविड मरीजों के होम आइसोलेशन में देख रहे ककारे सेंट्रल लाइब्रेरी सरकंडा से डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा है। आयुष विभाग जिला बिलासपुर द्वारा बिलासपुर जिले का कोविड के मरीजों के होम आइसोलेशन का कार्य नोडल अधिकारी डॉक्टर यशपाल सिंह एवं सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर समीर तिवारी की टीम द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी सरकंडा में सुनिश्चित हो रहा है, जिसमें आयुष विभाग के डॉक्टर होम आइसोलेट कोविड के मरीजों को पूरे 7 दिन कॉल करके उनका स्टेटस लेते हैं। साथ ही साथ मरीजों को मेडिसिन पहुंचाने की व्यवस्था भी है। जिन भी मरीजों के पास मेडिसिन ना हो तो तुरंत फार्मासिस्ट की टीम द्वारा मेडिसिन घर तक पहुंचाई जाती है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि मरीजों को इसका लाभ मिलना चाहिए और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग शिविर का लाभ उठा सके। चूँकि इन दिनों कोरोना काल का समय चल रहा है और ऐसे में जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग की जरूरत हर किसी को पड़ती है। बताएंगे कोविड सेंटर क्या बनाए गए हैं? हाँ, ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पे कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे कोविड से रिलेटेड और होम मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है हमारी जो टीम है उसमें जो है आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल बिलासपुर के जिला आयुर्वेद कार्यालय के और इसके अलावा कुछ शिक्षक और मलेरिया सुपरवाइजर कितने लोग मिले करीब 70-75 लोगों को हमारी टीम है। इसमें जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो उनको पर डे की जो कॉलिंग की जाती है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, साथ में उनका टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन, ये सारे नोट किए जाते हैं। और जिन पेशेंट्स को अगर दवाई नहीं मिलती है तो उनको यहाँ से फिर हम जो डिस्ट्रिक्ट टीम के द्वारा यहाँ पर दवाई भी भेजते हैं। और इसके अलावा जो 7 दिन की मॉनिटरिंग होती है, इन 7 दिन की मॉनिटरिंग में अगर किसी पेशेंट से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी बात होती है, कोई उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो उसके साथ इसके लिए हमारे पास जो शिफ्टिंग टीम है उसके द्वारा जो हम हॉस्पिटल में भी के हिसाब से उनको शिफ्ट करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं डॉक्टर समीर तिवारी, सहायक नोडल अधिकारी। मतलब यहाँ पे कोविड को लेकर यहाँ आयुष विभाग के द्वारा 7 दिन की मॉनिटरिंग की जाती है और कोविड के जो पेशेंट हैं अभी घर में हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। उनसे डेली उनका ऑक्सीजन लेवल, पल्स और कोई और अतिरिक्त बीमारी तो नहीं है और कोई हॉस्पिटल की जाने की समस्या तो नहीं है और दवाई है कि नहीं, ये सब पूरी यहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई पेशेंट अचानक कॉल भी हम लोगों को कर देता है कि सर जाए तबियत खराब है तो हम उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। ठीक, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अमित पाल सिंह जी, मैनेजर आयुष विभाग बिलासपुर। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।